सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इनफिनिक्स के 08i के बारे में, जो कि दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इस फोन के सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, इसकी दोस्तों जो प्राइस है वो भी बताऊंगा, और दोस्तों ये फ़ोन आपको क्यों लेना चाहिए मैं आपको यही बताऊंगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि ये फ़ोन आपके लिए कितना परफेक्ट है, कितना वैल्यू फॉर मनी है, ये आपको फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और इस फोन में दोस्तों आपको क्या देखने मिलता है और इसकी प्राइस दोस्तों क्या रखी गई है और इसमें ऐसे क्या कुछ फीचर हैं जिसकी वजह से हमें ये फ़ोन लेना चाहिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपको अच्छा आइडिया मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस फ़ोन के बारे में सारे स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। दोस्तों इनफिनिक्स का 08i फ़ोन अभी लॉन्च हुआ है, जिसका दोस्तों बेस वेरिएंट है वो है 8GB का और 128GB का। दोस्तों इस फ़ोन की प्राइस वो काफ़ी अच्छी रह गई है, इसकी प्राइस दोस्तों 15,000 रुपये। दोस्तों 15,000 रुपये में आपको क्या देखने मिलता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन की बॉडी की। दोस्तों इसका जो बैक है वो है प्लास्टिक का मिलता है, पर दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें दोस्तों एक कैमरे का बम्प दिया गया है, कैमरे का दोस्तों सेटअप है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है आपका। दोस्तों आपको इस फोन में कैमरे का जो सेटअप दिया गया है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो दोस्तों इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जिसको दोस्तों मेन कैमरा है वो 48MP का है, और दोस्तों इसके फ्रंट में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जिसमें दोस्तों एक कैमरा 16MP का है और दूसरा कैमरा 8MP का है। तो दोस्तों कैमरे के मामले में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर आप दोस्तों ज़्यादा फोटो खींचते हो या फिर वीडियो ज़्यादा बनाते हो तो आपके लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, जो कि दोस्तों 6.8 इंच की है और फुल एचडी डिस्प्ले है। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर दोस्तों इस फ़ोन की बैटरी की बात की जाए तो इसमें हमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 33W का फास्ट चार्ज देखने को मिलता है। तो दोस्तों बैटरी भी काफ़ी अच्छी है 4500 mAh की, और किसी वजह से अगर आपका फ़ोन जल्दी ख़त्म भी होता है, इसकी बैटरी जल्दी वीक भी हो जाती है, तो आप फटाफट से इसे चार्ज कर सकते हो 33W के फास्ट चार्ज से, जो कि दोस्तों आपको इस बॉक्स के अंदर साथ में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसमें हमें मीडियाटेक का हीलियो G90 का प्रोसेसर मिलता है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जो हमें इससे पहले रेडमी के नोट 8 प्रो में देखने को मिला था। तो दोस्तों अगर आपको गेमिंग करने का शौक है तब भी आप इस फोन को ले सकते हो, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जो एक गेमिंग प्रोसेसर है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन की डिज़ाइन की। दोस्तों इस फोन की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, डायमंड कट वाली है। वैसे दोस्तों डिज़ाइन इतना मैटर नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों मोस्टली लोग जो होते हैं वो अपने फ़ोन पर बैक कवर लगा के रखते हैं, तो बैक कवर की वजह से डिज़ाइन जो होती है दोस्तों वो छिप जाती है, तो डिज़ाइन इतना मैटर नहीं करती है, बट फिर भी दोस्तों इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। तो दोस्तों इसकी प्राइस है वो 15,000 रुपये रखी गई है, और ये आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा, जो दोस्तों अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको गेमिंग करने का शौक है, अगर आपको ऐसे एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी हो, जिसमें दोस्तों अच्छा प्रोसेसर दिया गया हो, अच्छी बैटरी दी गई हो, और दोस्तों अच्छे कैमरे दिए गए हों, तो आप इस फोन ले सकते हो। वैसे दोस्तों ये फ़ोन अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप अपनी मार्केट में आकर देख सकते हो। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको ये फ़ोन आसानी से देखने को मिल जाएगा, बट दोस्तों आपको 100-200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस फोन लेना चाहते हो और ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं है, तो आप एक बार अपनी मार्केट में आकर ट्राई कर सकते हो, आपको ये फ़ोन ज़रूर से मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।